साथियों, हमने खान पान से संबंधित विगत में अनेकों बातें आपको मैंने बतलाई, लेकिन आज हम कुछ आपसे सामान्य चर्चा करेंगे। साथियों, हम जानते हैं कि शरीर दो काम करता है। एक तो हम जो भोजन लेते हैं उसे पचाने का काम करता है, और दूसरा इसके अंदर एक ताकत होती है इम्यूनाइजेशन की, जिसके अंतर्गत ये बॉडी को रिपेयर भी करता है। लेकिन ये दोनों काम एक साथ नहीं करता, इसलिए सबसे अच्छा होगा यदि हम दिन का जो अंतिम भोजन करें और अगले दिन जो पहला भोजन करें उसके बीच में यदि हम 16 घंटे का अंतराल रख दें तो बॉडी को रिपेयर करने का टाइम पर्याप्त मिल जाएगा और बॉडी की हीलिंग हमेशा होती रहेगी। मित्रों, आप जो भी दिन में खाते पीते हैं, प्रकृति ने हमें सब कुछ दिया है, इसलिए प्राकृतिक चीजों को यदि हम पूर्णता में खाएं तो ये हमारे शरीर के लिए अत्यंत लाभदायक होगा। जैसे कि आप आलू तो खाएं, लेकिन आलू के चिप्स बनाकर उन्हें सुखाकर फिर तेल में भूनकर, यह उसका पूर्णता का रूप नहीं हुआ। इसलिए प्रकृति ने हमको जो भी दिया है उसको हम पूर्णता में खाएं। साथियों, इस बात का भी ध्यान रखें कि जो कुछ भी हम पकाएं बनाएं उसे आप बनाने के 5 घंटे के अंदर ही उसको आप खाएं या पिएं, रखा हुआ न खाएं। जैसे लोग फ्रिज में रख देते हैं और फिर थोड़ा थोड़ा कई दिनों तक खाते रहते हैं, इसी प्रकार से कोई भी ऐसी चीज बाहर की न खाएं जो कि 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन या इससे भी अधिक दिन पहले बनाई गई हो और प्रिजर्वेटिव लगाकर उसको प्रिजर्व करके रखा गया हो ताकि वो खराब ना हो। तो ऐसी चीजों का उपभोग आप ना करें, क्योंकि ये चीजें पूर्णता की नहीं है। साथियों, सुबह जब उठें उसके बाद कुछ ऐसा पेय पदार्थ लें जिससे आपकी बॉडी डिटॉक्स हो, क्योंकि उस समय बॉडी अपने से तमाम जहर को बाहर निकालती है। मित्रों, आप दिन में एक बार सबसे पहले फलों से शुरुआत करें, जिसमें आप आम, केला, अमरूद, सेब, फालसा, लीची, अनार, पपीता, सेब, अंगूर, इन फलों का आप सेवन मिला जुला के कर सकते हैं या इनको एक दिन छोड़ एक दिन बदल बदल के भी कर सकते हैं। मित्रों, नाश्ते में आप हाफ बॉयल यानी आधा पकाकर इसकी कोहरी जैसी बनाकर, जैसे देसी चना है, मूंग है, मटर है, हरी है, लोबिया है, इन्हें रात में भिगो दें और सुबह इनको हल्का सा गर्म करके और नमक और डाल करके आप इसका उपयोग कर सकते हैं। लंच में मित्रों 40% हिस्सा सलाद का रखें और दूसरी प्लेट में 60% भोजन का हिस्सा। सलाद के हिस्से में आप नींबू है, अदरक है, खीरा है, ककड़ी है, टमाटर है, मूली है, गाजर है, प्याज है, चुकंदर है, बंद गोभी है, फूल गोभी है, हरी मिर्च है, फूट है, खरबूजा है, तरबूज है, बेर है, इन तमाम चीजों को आप रख सकते हैं। तो सबसे पहले इस 40% या 50% हिस्से को ही आप खाएं, इसे भोजन के साथ ना खाएं, इसे भोजन करने की शुरुआत में सबसे पहले इस प्लेट को ही आप खाएं, उसके बाद दूसरे प्लेट का पका हुआ भोजन खाएं जिनमें बीन्स की सब्जी हो या पत्ती की सब्जी हो या अन्य कोई साथ में आप सब्जी ले सकते हैं, कम से कम 2 सब्जी जरूर हो, उसमें दाल हो, चावल हो
और एक या दो सात्विक रोटी हो मोटी। आप इसके साथ ऐसा न करें कि खट्टा और मीठा पदार्थ साथ में खाएं। अगर आप भोजन के साथ दही या रायता लेते हैं तो फिर खीर या मीठा ना खाएं, और अगर आप खीर या मीठा खा रहे हैं तो रायता और दही ना खाएं। इसके अलावा दिन में आप हलवा बनाकर के भी खा सकते हैं। यह हलवा आप रवा का, बेसन का, सिंघाड़े के आटे का किसी का भी बना करके आप खा सकते हैं। मित्रों, दिन में आप एक बार पौन कप जूस भी पी सकते हैं, जिसमें मौसमी, एलोवेरा, आंवला, जवारा, ये सब आप पौन कप पी सकते हैं। शाम के डिनर में उसी तरीके से एक प्लेट में सलाद रखें और दूसरी प्लेट में पका हुआ भोजन, और अच्छा हो कि उसमें से आप चावल कम समाप्त कर दें या कम कर दें, इसमें भी उसी तरीके से आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप दिन में चिल्ला, इडली या अन्य कोई स्वल्पाहार आप एक बार खा सकते हैं। अब मित्रों, आप अपने भोजन में जब संतुलन बनाएं तो इस प्रकार बनाएं कि हफ्ते में एक दो बार जड़ वाली सब्जी जरूर खाएं, जैसे आलू है, अरबी है, चुकंदर है। हफ्ते में एक या दो बार पत्ती वाली सब्जी अवश्य खाएं, जैसे पालक है, मेथी है, सरसों है, मूली का पत्ता है, जो पत्ता गोभी आता है उसके पत्ते हैं, बथुआ है, चौलाई है। मित्रों, इसी तरीके से आप हफ्ते में दो बार फूल वाली सब्जी खाएं, जैसे फूल गोभी है, ब्रोकली है। इसी के साथ साथ आप फलियों वाली सब्जी, फल वाली सब्जी, यानी जो पेड़ पौधे का जो फल का हिस्सा होता है, फूल के बाद जो फल निकलता है, उसकी सब्जी कम से कम दो बार खाएं, जिसमें करेला है, कुंदरू है, सीताफल है, बैंगन है, भिंडी है, लौकी है, तरोई है, शिमला मिर्च है, परवल है, कटहल है और बन करेला है। इसी तरीके से मित्रों, हफ्ते में दो बार आप बीज की सब्जी जरूर खाएं, जिसमें मटर है, सेम है, लोबिया है, राजमा है, चना है, सहजन है। मित्रों, दो बार आप ऐसी सब्जी खाएं जो पानी में होती है, जैसे कमल ककड़ी है, सिंघाड़ा है। इसके साथ साथ अगर आप आटा खाएं तो आप आटे को मिक्स करके खाएं, एक ही आटे की रोटी न बनाएं, उसमें कोई दूसरा आटा भी उसमें मिक्स करें। मित्रों, आप दिन में एक बार ड्राई फ्रूट का पाउडर पौन कप दूध में कभी ले सकते हैं, गुनगुने दूध में। इसको अगर आप शाम को या रात में सोने से पहले लें तो ठीक रहेगा। जिसमें आप तुलसी की 10 पत्तियां डालें, अखरोट की गिरी 50 ग्राम, बादाम 50 ग्राम, काजू 50 ग्राम, पिस्ता 50 ग्राम, मूंगफली 50 ग्राम, चिरौंजी 25 ग्राम, मखाना 25 ग्राम, खसखस यानी पोस्ता दाना 25 ग्राम, किशमिश 25 ग्राम, गरी 25 ग्राम और सौंफ 10 ग्राम, इन सब को आप कढ़ाई में हल्का गर्म कर लें, फिर इसे ठंडा कर लें ताकि इससे नमी निकल जाए। 100 ग्राम मिश्री डालकर इसको मिक्सी में पीस लें, कांच के बर्तन में रखें और एक पाव दूध में एक चम्मच के हिसाब से आप डालें, और इसमें से आप सोते समय पौन कप आप पी सकते हैं। तो इस प्रकार मित्रों, अपने भोजन को अगर आप रखें जिसमें जड़ वाली सब्जियां भी हों, पत्ती वाली सब्जियां भी हों, फूलों की सब्जियां भी हों जो पौध में फूल रूप में निकलती हैं, और फलियों की हो, बीज की हो, पानी वाली हो, तो आपको अत्यंत लाभ होगा। मित्रों, एक बात और ध्यान में रखने वाली है, ऐसी चीजों का ज्यादा सेवन करें जिसके साथ प्यास नहीं लगती, यानी आप उनके साथ पानी नहीं पीते, जैसे मट्ठा है, दूध है, दही है, ये खाने में आप पानी नहीं पीते, आपको प्यासी नहीं लगती। नींबू है, अदरक है, खीरा है, ककड़ी है, टमाटर है, मूली है, गाजर है, फूट, खरबूजा, तरबूज और बेर, आम, केला, अमरूद, सेब, फालसा, लीची, अनार, पपीता, सेब, अंगूर, कच्चा सिंघाड़ा,
कच्चा नारियल या नारियल का पानी, तो इसे भी अपने खाने पीने में शामिल करें। मित्रों, मिठाई के नाम पर हम लोग अक्सर खोए की मिठाई खाते हैं, इसमें अधिक अच्छा हो आप खोए की मिठाई न खाएं, उसकी जगह आप गुड़ का, पेठा का, गजक का, रेवड़ी का, तिल के लड्डू, अलसी के लड्डू, आटा के लड्डू, इनका सेवन करें। मित्रों, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।